हमारा बहुत ही रेगुलर और बहुत ही रिलेटेबल शो है। एक एक अलग अलग टाइप का कंटेंट है टेलीविजन पे जो आ रहा है, एक फ्रेशनेस लेके आ रहा है अपने साथ, जो कि आपको प्रोमोस पे दिखा होगा। एंड वी रियली होप कि लोग उतना ही प्यार दें, उतना ही सराहें और उड़ने की आशा एक उड़ान छोड़। हमें भी देख लो। अच्छा लगा सब। तुमको क्यों देखेंगे? दीवारी मुंह बंद कर, वहां पे ही कर लो ना, वहां पे कर लो। मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूं बिकॉज़ मैंने बहुत मतलब बचपन से स्टार प्लस को देखा है और आज मैं उस पे काम कर रही हूं। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू एंड आई रियली वांटेड टू वर्क विद यू सर। ओह माय गॉड, क्या बात है। 34 इयर्स, व्हाट हैव यू रियलाइज्ड? या सेंटर लुक। Thank you, bhai. Thank you, bhai. You was good. हाँ सब सब देख लेंगे, आएंगे ना सब अंदर। हाँ आएंगे आएंगे आएंगे। ना भाई का इशू जरूर आएगा। भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, जो घर के किस्से हैं उनके रोजाना के, उनसे रिलेट करेगा। एंड हमारा बहुत ही रेगुलर और बहुत ही रिलेटेबल शो है। एक एक अलग अलग टाइप का कंटेंट है टेलीविजन पे जो आ रहा है, एक फ्रेशनेस लेके आ रहा है अपने साथ, जो कि आपको प्रोमोस पे दिखा होगा। एंड वी रियली होप कि लोग उतना ही प्यार दें, उतना ही सराहें और उड़ने की आशा एक उड़ान छुए अपनी। आई थिंक सचिन और बड़ा परिवार, सुखी परिवार, सुखी परिवार। अरे बहुत सुखी है भाई, बड़ा परिवार उड़ने की आशा कोई दुखी नहीं। बड़ा परिवार परिवार है और हर परिवार में सुख और दुख दोनों साथ में आते हैं। तो आई थिंक इस शो में भी आप देखोगे कि सुख और दुख दोनों साथ में आएंगे जी। इसमें ये तो कैरेक्टर ही है, मतलब कैरेक्टर ही कैरेक्टर है। तो हाँ मतलब मैं समझ लो मैं घुस गया एक मराठी आदमी के शरीर में, बस यही कैरेक्टर है। बाकी आप जब अभी एपिसोड देखोगे आपको पता चलेगा कि क्या किया है। बट थैंक यू टू श्रीनी सर, राधिका मैम एंड राहुल सर दैट दे थॉट दैट आई कुड कैरी आउट सचिन वेल और मुझे ये मौका दिया। एंड उम्मीद है कि मैं निराश नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक ये खुद में ही पूरा सचिन है। राधिका, व्हाट डू यू थिंक? पूरा सचिन, पूरा सचिन, सचिन। The exclusive thing about the show is that the relationship between Sachin and his father. Yeah. It's something, the father-son bonding, I think it has not come in any television show. मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, हाँ वो कुछ मैंने आज पढ़ा था। आई थिंक ये दर्शकों का प्यार है, ये लोगों का प्यार है। एंड आई थिंक कुछ अच्छे काम और अच्छे कर्म किए हैं कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं। So they're talking about Sachin, Sachin RI करके, there's a hashtag which is trending on Twitter today. So I think it's the love of the fans, yeah, that's it. That's all we live for. That's all we work for. मैं तो बहुत ही grateful हूँ because मैंने बहुत मतलब बचपन से Star Plus को देखा है और आज मैं उस पर काम कर रही हूँ। It's like dream come true and I really wanted to work with you, sir. And I really got this opportunity. So beyond happiness, मतलब मैं बस words नहीं express करने को कि मैं कितनी खुश हूँ आज. And today here that I am, I don't know how to express my feeling, but it's just happiness. बस अच्छा हो जाए और आप सबको पसंद आए कि साइली जिस तरीके से act करेगी और उसका story जैसे जाएगा। आपका और जो सचिन भाला रहे हैं, एक तरह bonding रहा आपको जो दुनिया रहे, इसका तो dance भी पड़ा या कुछ सीखने मिली आपको? मुझे कोई data नहीं है। I'm telling you, I have never found like मेरे को कभी ऐसी अच्छी team मिली नहीं है कि जहाँ ना डांट पड़े पर काम बताए कि काम कैसे करना है, अगर कहीं गलत जा रहा है तो देर इज लाइक अ लॉट ऑफ टीम वर्क आई हैव सीन। किसी के भी साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि इट्स जस्ट मी के साइली को नहीं डांट पड़ी या जो गलत कर रही है, बट जैसे परी है या जो बाड़ू बना है, जो भी है हमारी कास्ट में, देर इज लाइक टोटली एक टीम वर्क, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वन। तो आई एम ग्रेटफुल कि हमें इतनी अच्छी टीम मिली है, हेयर मेकअप से लेके प्रोडक्शन एवरीथिंग। I think हमारे जो डायरेक्टर साहब है धर्मेश जी, वो अभी यहाँ है नहीं, बट उनका स्टाइल ही डांटने का नहीं है, वो बहुत प्यार से समझाते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद में फुल ऑन सचिन है। साइली को थोड़ा सा मोल्ड किया गया है, बट वो बहुत ही खुशी से
ये सब काम हुआ। हाँ, मुझे ड्राइव करना नहीं आता था, टू व्हीलर मैंने वो सीखा, फूल नहीं, फूल की माला बनाने नहीं आता था वो सीखा, मुझे बताया गया था कि वो आना चाहिए तो मैंने बोला ठीक है आई विल लर्न दैट आल्सो। मैंने गुजराती अंडू करके मराठी में थोड़ा बोलना सीखा, ये वो क्योंकि इसकी मराठी में जो गुजराती घुसाती है ना ये बीच बीच में कहां तुला तुला काय पाइजे में कहां सूचे सारूचे घुसता है कुछ समझ नहीं आता, पर वो उसने मेहनत करके वो भी अंडू किया है तो कुडोस टू यू। और ये सारी मेहनत राधे एंड श्रीनी ने हमारे लिए की है, जो फूल बनाना, इनको एग्जैक्टली कैसे करना, कैसे बिहेव करना, ये सब इनकी तरफ से आया है, तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। फंक्शन एंड सायली आर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेयर, देयर रिलेशनशिप इज ऑलवेज ऑन फायर एंड दे आर एन they will set the Hindi audiences on fire, no doubt about it. I think it's because I'm sure jitne logon ki shaadi hui hai wo samajh rahe ho kya bol rahe hain. main ek cheez on record abhi bolta hu, mere ko 12 saal ho gaye hain abhi show ki shoot shuru karte karte na 1.5 mahina humko ho gaya hai, this is by far kudos to him. Definitely, I have been wanting to work with him since a very long time, but kabhi aise koi cheez work out nahi hui. And them, kudos to them for building such a solid production on location ho ya uske alawa koi bhi cheez ho, aaj tak majale ko jitna sakta hai. Main isliye nahi bol raha kyunki main kar show kar raha hu, but main otherwise keh raha hu ki bahut production dekhe hain, but kudos. So taaliyan inke liye. देखिए क्या है कि क्रिएटिविटी सिर्फ पैसे खर्च करने से नहीं होती है, अगर आप दिमाग लगाएं और आपके साथ प्रॉपर टीम हो जो काम करता है, अभी 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 ना तू गॉसिप ढूंढ, अभी तू मिर्ची मार, ये सवाल नहीं है, बवाल वाला काम है। देखिए ये तो डे वन पे ना जब मैं इससे मिला था तभी बता दिया था कि मेरे साथ काम करना है तो इस हिसाब से काम करना पड़ेगा। आई थिंक अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा है, तो तेरा क्वेश्चन करेक्ट है, आगे चल के आगे देखते हैं क्या होता है, और टेंशन मत ले, अच्छा ये तो बिग पॉइंट, आगे आगे जाके अगर बीच में कुछ समस्या आती है वरना हमारे पास आती है वो कि कूदने की आशा के किरदार, कूदने की आशा एक शो के माध्यम से आपकी जिंदगी में भी रंग है, एंड यार जस्ट हैप्पी होली, हैप्पी होली। दीवानगी मतलब चाहने वाले, अच्छा कूट कूट के प्यार दिया। कुछ नहीं यार, हम आउटडोर शूट कर रहे हैं मुंबई में और अलग अलग लोकेशन में थे, तो अब ऑफकोर्स पंड्या के टाइम पे बहुत प्यार मिला है और जो चाहने वाले हैं वो एक्साइटेड थे क्योंकि प्रोमोज भी ऑन एयर हैं, तो ना कि मुझे, सायली को भी मिलने बहुत लोग आए, संजय सर हमारे इतने पॉपुलर हैं मराठी सिनेमा मराठी शोज की वजह से, उनकी भी बहुत तगड़ी बैंक बोलेंगे, तो आई थिंक एज अ होल लोग ऑलरेडी किरदारों के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि शो ऑन एयर आने के पहले इतनी एक्साइटमेंट है, सो आई होप वो ट्रांसलेट करे नंबर्स में और शो की सक्सेस में। जिस तरीके से हमने शूट किया ना बहुत ही रियलिस्टिक है, मतलब मेकअप से लेके ड्रेस से लेके स्टोरी एवरीथिंग इज सो नेचुरल दैट यू ऑल आर गोना एंजॉय द यू नो द सीन्स दैट आर गोना कम अप, इट्स अमेजिंग। थैंक यू हैप्पी होली एवरीवन, सबकी होली बहुत ही बढ़िया रहे, बस उड़ने की आशा अच्छी जाए, बहुत अच्छे से उड़ेंगे, बहुत अच्छे से उड़ेंगे, हैप्पी होली, थैंक यू, हैप्पी होली।